नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि कैसे किसी भी स्त्री या मर्द के चरित्र के बारे में जान सकते हैं। हाँ दोस्तों, व्यक्ति के चरित्र हम उसके कार्य के प्रति उसकी प्रवृत्ति से पता लगा सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी बनता है अपने विचारों से ही बनता है, इसीलिए हमें अपनी सोच का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, व्यक्ति जो कर्म करते हैं, प्रत्येक विचार जिसका हम अनुसरण करते हैं, वह सब हमारे चित्त पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। मनुष्य का चरित्र प्रभावों के आधार पर ही तय होता है। यदि व्यक्ति के प्रभाव अच्छे होते हैं तो चरित्र भी अच्छा होता है, और यदि आपके प्रभाव खराब होते हैं तो चरित्र पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। वैसे तो हम सभी जानते ही हैं कि प्राकृतिक ने स्त्री को कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं, लेकिन कहा जाता है हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो जरूरी नहीं है कि हर स्त्री का स्वभाव भी एक जैसा ही हो। दोस्तों, महिलाओं को जन्म से ही जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन परिवार की इज्जत पर कभी भी किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत बचाने का काम करती हैं, अपने और सामाजिक आचरण को पवित्र रखने का प्रयास करती हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके द्वारा किए जाने वाले कर्म कुल के विनाश का कारण भी बनते हैं। इस तरह की महिलाओं को समाज की भाषा में कुलछिड़ी कहा जाता है। महिलाओं के चेहरे और उनके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुल लक्ष्मी करार देते हैं। दोस्तों, महिलाओं की यदि कनिष्ठ उंगली और उसके साथ वाली उंगली जमीन को स्पर्श नहीं करती, या अंगूठे के साथ वाली उंगली ज्यादा लंबी होती है, तो इस तरह की महिलाएं समय के अनुसार खुद को बदलने में संकोच नहीं करती हैं। और मित्रों, दूसरी बात है बात बात पर गुस्सा करने वाली महिलाएं। मित्रों, किसी महिला को बात बात पर जल्दी गुस्सा आ जाता है या महिला का स्वभाव गुस्से वाला है, तो महिला के चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और मित्रों, तीसरा कारण है पैर के पीछे का हिस्सा। मित्रों, जिन महिलाओं के पैर के पीछे का हिस्सा अधिक मोटा या उठा हुआ होता है, या फिर पैर के उस भाग की नसें उभरी हुई नजर आती हैं, तो इस तरह की महिलाओं से दूरी बनाकर रखना बेहतर होता है। और मित्रों, नंबर चार है घड़े के आकार का पेट। जिन महिलाओं का पेट घड़े के आकार का होता है, ऐसी महिला का पूरा जीवन गरीबी और दरिद्रता में ही व्यतीत होता है। किसी महिला का पेट लंबा और गड्ढेदार होता है तो वह महिला अशुभता की निशानी मानी जाती है। और मित्रों, पांचवा कारण है महिला का कद। जिन महिलाओं का कद लंबा होता है और महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर ज्यादा बाल होते हैं, तो ऐसी महिला अपने पति के लिए काफी अशुभ मानी जाती है। और मित्रों, नंबर छह है कानों में बाल। जिन महिलाओं के कानों में अत्यधिक बाल होते हैं, वह स्त्रियां घर में लड़ाई और झगड़े की वजह बनती हैं। और मित्रों, सातवां कारण है मोटे चौड़े दांत। जिन महिलाओं के दांत मोटे और चौड़े होते हैं, या फिर महिला के दांत मुंह से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो वह स्त्री उम्र भर दुखी और परेशान रहती है। महिलाओं के मसूड़ों का कालापन का होना भी दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है। और मित्रों, आठवां कारण है हाथों की नसों में उभार। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों में अधिक उभार नजर आता है या हथेलियां चपटी होती हैं, तो ऐसी महिला को कभी भी सुख और धन नसीब नहीं होता है। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस बस यहीं तक।